दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने 40 ऐसे शेयर की लिस्ट लेके आया हूँ जो अपने 52 वीक हाई से 20% या उससे ज्यादा डाउन है। तो दोस्तों हम लोग इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे, है ना, ज्यादा गिरे से लेकर कम गिरे तक हम लोग पहुंचने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले बजाज फिनसर्व है दोस्तों। बजाज फिनसर्व एक बहुत अच्छा शेयर है और अभी बहुत अच्छी बाइंग रेंज में काफी दिन से कॉन्सोलिडेट कर रहा है। तो बजाज फिनसर्व लेने के बारे में आप तुरंत सोच सकते हो दोस्तों। इसके बाद हम आते हैं कैंपस फुटवेयर की कंपनी दोस्तों। ये भी अपने पीक से 53% डाउन है। आप इस शेयर को इमीडिएट कंसिडर कर सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। दोस्तों पॉलीप्लेक्स एक अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी है, ये भी अपने पीक से 51% डाउन है। इसको भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हो, है ना दोस्तों। इसके बाद आरती इंडस्ट्री दोस्तों ये भी एक बहुत अच्छी कंपनी है जो अपने पीक से करीब करीब 50% डाउन है। आप इसका देखिए हाईएस्ट देखिएगा, 924 का हाईएस्ट है और आज ये 463 पे खड़ी है। तो आप इस कंपनी, यही टाइम होता है इन कंपनियों को खरीदने का, अच्छी कंपनियों को खरीदने का, तो आप इसको अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद देखिए राजरतन ग्लोबल वायर, इसका पीक कितना था दोस्तों, 1400 रुपए का पीक था, आज ये अपने पीक से आधे पे खड़ी है। तो आप ये राजरतन ग्लोबल वायर को कंसिडर कर सकते हो दोस्तों। इसके बाद बालाजी अमाइंस देखिए बहुत अच्छी केमिकल सेक्टर की कंपनी है, 3800 का पीक है दोस्तों और ये आज 2100 पे खड़ी है, आप इमीडिएट इसको खरीद सकते हो। फाइन ऑर्गेनिक्स दोस्तों एक बहुत अच्छी कंपनी है, 7400 इसका पीक प्राइस था, करीब 7300 के आसपास, आज 4600 पे खड़ी है दोस्तों। इसको इमीडिएट इन्वेस्टमेंट के लिए आप कंसिडर कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों टाटा एलेक्सी देखिए, इसका 10760 रुपए का पीक था, आज ये 7000 रुपए पे खड़ी है, साथ में टाटा का ब्रांड भी है। तो ये आईटी सेक्टर की बहुत अच्छी कंपनी दोस्तों, अपने पीक से 34% डाउन है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए इसको इमीडिएट कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों लक्ष्मी केमिकल, ये भी केमिकल सेक्टर की बहुत अच्छी कंपनी है, 260 रुपए में मिल रही है, जिसका पीक प्राइस करीब करीब 400 रुपए था। तो आप इसको इमीडिएट अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हो दोस्तों। इसके बाद अगली कंपनी शीला फोम लिमिटेड, ये बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों, ये 1700 का इसका पीक था, 1100 पे खड़ी है। ये गद्दे वगैरह तकिए वगैरह शीला फोम के आते हैं, ये बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत बढ़िया इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसके बाद कैंटाबिल रिटेल, ये भी देखिए कपड़े वपड़े है ना, अपेरल ये सब की कंपनी है, ये 1500 रुपए का इसका पीक था दोस्तों, आज ये 1000 रुपए के आसपास खड़ी हुई है। तो कैंटाबिल रिटेल को भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद सकते हो। भारत रसायन एक हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी दोस्तों, केमिकल सेक्टर की, 1200 रुपए 1200-1300 रुपए का इसका पीक है एक शेयर का, आज ये हमको 8800 रुपए में मिल रही है। अगर हम बड़े शेयर में, ज्यादा वैल्यू वाले शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों फ्लोरोकेम, यानी कि गुजरात फ्लोरोकेमिकल, ये बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों, बहुत अच्छी कंपनी है, 4200 रुपए करीब का इसका पीक था, आज ये 2800 रुपए में मिल रही है। इसको हम अपनी इमीडिएट हम इसके अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आवास फाइनेंसर्स तेजी से अपना इंडिया में नेटवर्क बढ़ा रहा है दोस्तों। जिस तरीके से HDFC ने एक जमाने में किया था, उस तरीके का ये एग्रेसिव एक्सपेंशन कर रहा है। तो आज ये अपने पीक प्राइस 2300-3400 रुपए से कम होकर 1600 में हमको मिल रहा है, हम चाहे तो इसको अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अतुल भी एक केमिकल सेक्टर की बहुत अच्छी कंपनी दोस्तों, इसका पीक प्राइस करीब करीब 10000 रुपए था, आज ही हमको 7000 रुपए मिल रहा है, हम चाहे तो उसको अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी, ये करीब 2000 रुपए का शेयर था दोस्तों, ये हमको मिल रहा है 1400 रुपए में, बहुत अच्छी कंपनी केमिकल सेक्टर की, हम इमीडिएट अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड, ये भी केमिकल सेक्टर कंपनी है, पीक से 28% गिरी हुई दोस्तों, 400 रुपए इसका पीक प्राइस था, 290 रुपए में अपने को मिल रही है, अपन चाहे तो इसको अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों गोकुल एग्रो एक बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों, जैसे अदानी विल्मर लिमिटेड, जो कि इडेबल ऑयल में बहुत बड़ी ट्रेडिंग करती है, लेकिन अदानी पे हम जानते हैं कि डिफरेंट टाइप के ब्लेम लगे हुए हैं, तो वो सबसे ज्यादा इडेबल ऑयल का इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में वो इन्वॉल्व है, लेकिन अब वो नहीं है। अगर हम उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो फिर सेकेंड हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, हमको गोकुल एग्रो पे जाना चाहिए। गोकुल एग्रो भी इडेबल ऑयल में काम करती है दोस्तों, बहुत अच्छी कंपनी है। इसके बाद HLE ग्लास कोट क्या होता है, ग्लास लाइंड इक्विपमेंट जो होते हैं ना, थर्मस फ्लास्क के हो गए, बड़े बड़े सोलर पावर प्लांट के हो गए, जो सोलर थर्मल पावर प्लांट होते हैं, तो ग्लास लाइंड इक्विपमेंट जितने भी होते हैं वो HLE ग्लास कोट बनाता है। GMM फॉडुलर के बाद सेकेंड बड़ी कंपनी है इस फील्ड की, ये अपने पीक से 28% कम में मिल रही है, 815 इसका पीक था, आज ही हमको 582 रुपए में मिल रही है,
तो दोस्तों इस पे हम इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। इसके बाद जीएमएम फॉडलर, ये भी ग्लास लाइन इक्विपमेंट की दिग्गज कंपनी है दोस्तों। इसका 2100 रुपए का पीक प्राइस था, आज हमको 1500 रुपए में मिल रही है। इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में हम इमीडिएट सोच सकते हैं। इसके बाद ग्रीन पैनल इंडस्ट्री, दोस्तों ग्रीन पैनल इंडस्ट्री प्लाईवुड सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है, वुड सेक्टर की। ये मीडियम डेंसिटी फाइबर और प्लाईवुड का जो अगला अगला स्टेज आ गया है, एमडीएफ बनते हैं, एलडीएफ बनते हैं, हाई डेंसिटी फाइबर शीट्स बनती हैं, तो ये सब चीजें ग्रीन पैनल इंडस्ट्री बनाती है दोस्तों। ये बहुत मजबूत शीटें रहती हैं, जिन जॉगर्स पे अपन चलते हैं, जिन पे अपन दौड़ते हैं, तो जो नीचे जो लकड़ी का लगा रहता है, बेसिकली वो मीडियम डेंसिटी फाइबर या हाई डेंसिटी फाइबर की शीट होती है दोस्तों। इन सबको ये ग्रीन पैनल इंडस्ट्री बनाती है। इसका पीक प्राइस 465 रुपए था, ये 335 रुपए पे अपने को मिल रहा है, तो हमको इसको इमीडिएट इन्वेस्टमेंट के बारे में कंसिडर करना चाहिए। इसके बाद बोरोसिल रिन्यूएबल, देखो दोस्तों ये 624 रुपए इसका पीक प्राइस था, 456 रुपए में मिल रहा है, अपने पीक से 27% डाउन है। ये रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी है, सोलर पावर वगैरह में काम करती है, इसके बारे में हम इमीडिएट सोच सकते हैं। इसके बाद यूनाइटेड फॉस्फोर लिमिटेड यूपीएल, ये भी केमिकल सेक्टर की कंपनी है, एग्रोकेमिकल में काम करती है, 807 इसका पीक था और आज ये 590 रुपए में हमको मिल रही है, हम इमीडिएट इसको कंसिडरेशन में ले सकते हैं। इसके बाद टीटी के प्रेस्टीज बताने की जरूरत नहीं है, कुकर्स वगैरह बनाती है, 1100 रुपए करीब करीब इसका पीक प्राइस था, 770 रुपए में मिल रहा है, हम इसको इमीडिएट अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद एल्काइल एमाइन, ये भी केमिकल सेक्टर की कंपनी है दोस्तों, ये 3100-3200 रुपए इसका पीक प्राइस था, 2300 रुपए में हमको मिल रही है, हम चाहे तो अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद जुबिलेंट फूड वर्क, डोमिनोज पिज्जाज वगैरह, ये भी अभी काफी करेक्टेड रेट में हमको मिल रही है, 652 रुपए इसका रेट है, 491 रुपए मिल रही है हमको, तो हम इसको अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों गैलेक्सी सर्फेक्टेंट भी केमिकल सेक्टर की कंपनी दोस्तों, 3400 रुपए इसका पीक प्राइस था, आज हमको 2600 रुपए मिल रही है, हम चाहें तो इसको इमीडिएट ले सकते हैं आप। लेकिन हर इन्वेस्टमेंट आप अपने एंगल से चेक कर लीजिएगा, उस कंपनी के फाइनेंस पढ़ लीजिएगा, उस कंपनी के बारे में जान लीजिएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में है, स्क्रीनर में देख सकते हैं, टिकर टेप में देख सकते हैं, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा दोस्तों। इसके बाद पेज इंडस्ट्री, 41,000 रुपए का शेयर है दोस्तों, 54,000 रुपए इसका पीक प्राइस था, ये शेयर भी आदमी अगर ले सकता है तो उसको लेना चाहिए, क्योंकि आज ये 25% के डिस्काउंट में मिल रहा है, बट ये है कि आपको एक ही शेयर लेने के 41,000 रुपए का कैपिटल लगेगा दोस्तों। उसके बाद स्केफलर बेरिंग की कंपनी है, फैग की है ना, ये बहुत अच्छी कंपनी दोस्तों, एसकेएफ के बाद सेकंड मार्केट लीडर फैग ही है बेरिंग सेक्टर में, 4000 रुपए इसका पीक प्राइस था, आज ये 3000 रुपए में हमको मिल रही है। सुमिटोमो केमिकल दोस्तों, ये 540 रुपए की कंपनी थी सुमिटोमो केमिकल, आज हमको 411 रुपए में मिल रही है, और ये जैपनीज कोलेबोरेशन की बहुत अच्छी कंपनी है, हम चाहे तो इसको अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद डी मार्ट दोस्तों, डी मार्ट एवेन्यू सुपर मार्ट, नाम बताने की जरूरत ही नहीं है, 4600 रुपए की कंपनी थी, 3500 रुपए में मिल रही है, और इस कंपनी में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये बहुत अच्छे प्राइस में मिल रही है, हमको इमीडिएट इसको अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर करना चाहिए। इसके बाद विनती ऑर्गेनिक्स 2300 रुपए की कंपनी है दोस्तों, और आज हमको ये 1820 रुपए में मिल रही है, इसको हम अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए इमीडिएट कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद ये ग्रेन्यूल्स है दोस्तों, इसको मैं आप लोगों को बोलूंगा नहीं, आप लोग इसको मत लीजिएगा, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी कंपनी नहीं है। इसके बाद अवंती फीड्स, एक बहुत अच्छी कंपनी दोस्तों, इसको भी आप चाहो तो ले सकते हो, 527 रुपए का प्राइस था, आज 406 रुपए में हमको मिल रही है। इसके बाद हिंदुस्तान फूड्स, ये FMCG की बहुत अच्छी कंपनी दोस्तों, 750 रुपए इसका रेट था, आज 580 रुपए में हमको मिल रही है, इसको हम अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में कंसिडर कर सकते हैं। ट्राइडेंट टेक्सटाइल सेक्टर की बहुत अच्छी कंपनी है, 42 रुपए का प्राइस था इसका, आज 32 रुपए में मिल रहा है दोस्तों, इसको चाहो तो इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हो। इसके बाद एफले बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों, ये 1300 रुपए तक गई थी, 1400 रुपए तक, आज हमको 1000 रुपए मिल रही है, इसको हम अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी दोस्तों, ये 1136 रुपए की कंपनी, आज हमको 900 रुपए के आसपास मिल रही है, इसको हमको कंसिडर करना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर 1050 रुपए की कंपनी थी रोजारी बायोटेक, आज हमको 833 रुपए में मिल रही है दोस्तों, आप इस कंपनी को अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हो। इसके बाद SRF लिमिटेड एक बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों, 2800-2900 रुपए इसका पीक प्राइस था, 2200 रुपए में मिल रही है, इसको हम अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं दोस्तों। ये मैंने रिफाइन करके फिल्टर करके बहुत अच्छी कंपनियां आप लोगों के लिए अलग की हैं, अब आपको इसमें और रिफाइनमेंट करना है। से मैंने 39 कंपनी आपके सामने रख दी, अब इसमें आप और फिल्टर वगैरह लगा के
अगर आप स्क्रू करके 25 कंपनी लाते हो और हर 25 कंपनी में आप दो दो ढाई ढाई हजार रुपए भी लगाते हो ना दोस्तों, तो एक बार में आपकी 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, या आप ज्यादा लगाते हो तो 1,00,000 रुपए तक की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। फिर उसके बाद याद रखिएगा, हमेशा जब भी कंपनी को अपर साइड एवरेजिंग अपने को 40% के बाद करना है और लोअर साइड एवरेजिंग 20% के नीचे करना है। जब भी कोई कंपनी आपकी परचेसिंग प्राइस से 20% से नीचे चले जाए और कंपनी अच्छी है, आपका कन्विक्शन है, आप उस कंपनी पे भरोसा करते हो, तो उस पे आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेना चालू कर सकते हो जब वो 20% से नीचे चले जाए। और अपर साइड अगर 40% से ऊपर चले जाए तो भी आप अपर साइड एवरेजिंग एक एक दो दो तीन तीन शेयर के दो दो ढाई ढाई हजार के बैंड में उसके अपर साइड एवरेजिंग भी कर सकते हो। सो दोस्तों, ये 40 शेयर थे जो मैं आप लोगों के लिए आया था। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।